Hello friends, this is a video for map practice of Indian rivers. So on demand, I am back again for the map practice of Indian river. Okay, so first of all, we will start from Indus. So Indus यहाँ China से निकलती है. Okay, ये pen change कर लेती हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है. हाँ, तो Indus यहाँ चाइना से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर से होती हुई पाकिस्तान में जाती है. और इंडस की कई सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें रावी, चेनम, ब्यास, सतलज आती हैं. और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम इंडस के बाद नेक्स्ट सतलज लेंगे, क्योंकि सतलज भी इसी के पास से ही निकलती है. अच्छा, ये जो है ये दोनों मानसरोवर से निकलती हैं, मानसरोवर से. ओके, अभी सतलज यहाँ से भी यहीं से निकलती है और ये हिमाचल होते हुए आगे जाके इंडस में ही मिक्स हो जाती है. ठीक है, हमें याद रखना है कि सतलज जो है वो जम्मू कश्मीर से नहीं होके जाती, ये चीज़ याद रखनी है. उसके बाद गंगा नदी, थर्ड वन है गंगा. अभी गंगा रिवर कहाँ से जाती है? गंगा रिवर जो है ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है और ये यूपी से होती हुई फिर इधर बिहार में पटना होती हुई बाइफरकेट हो जाती है, जिसमें से एक इसका जो एक पार्ट जो है वो बांग्लादेश में आता है और दूसरा पार्ट यही वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए ये इधर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. ओके, तो गंगा के बाद यमुना. यमुना भी सेम यहाँ गंगोत्री से निकलती है और आगे जाके ये फाइनली गंगा में ही मिल जाती है. ओके, ये इलाहाबाद पे यमुना और गंगा का संगम है, वहाँ पे मिलती है, जहाँ हर 12 इयर्स में कुंभ का मेला भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना में, चाइना से ओरिजिन है, तिब्बतियन प्लेटू से, यहाँ पे तिब्बत से निकलती है और ये पूरा अरुणाचल प्रदेश के बाद यू टर्न लेती है और असम से होते हुए ये बांग्लादेश में गंगा में जाके मिल जाती है. और यहाँ पे गंगा को हम पद्मा बोलते हैं. ठीक है, और वहाँ पे फिर बे ऑफ बंगाल में मिलती है जाके. तो ये ब्रह्मपुत्र है जो चाइना तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश जाती है. चाइना में इस तिब्बत को हम सांगपो भी बोलते हैं, टी से स्टार्ट होता है और इसको हम चाइना में सांगपो बोलते हैं. और उसके बाद यहाँ पे लोहित है, एक रिवर है अरुणाचल में, उस वो भी इसी मर्ज हो जाती है और आसाम से होते हुए ये बांग्लादेश से होते हुए बे ऑफ बंगाल में पहुँचती है और गंगा में मिक्स हो जाती है भी. इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट है गोदावरी. तो महानदी गोदावरी. तो गोदावरी पहले मैं बाद में इसलिए बताऊंगी क्योंकि मैं पहले महानदी बता रही हूँ. ओके, और महानदी में पहले इसलिए बता रही हूँ कि महानदी जो है ये यहाँ उड़ीसा, उड़ीसा में है, ये उड़ीसा के पास है महानदी. ठीक है, तो महानदी जो है ये इस पार्ट से निकलती है झारखंड वाले और फिर ये उड़ीसा, यहाँ से बे ऑफ बंगाल मिलती है और यहीं पे हमारी चिल्का लेक भी है. ओके, नेक्स्ट जो है इसके बाद महानदी के बाद गोदावरी है. तो गोदावरी रिवर जो है वो वन सेकेंड, ओके, सो गोदावरी रिवर, गोदावरी रिवर जो है ना वो हमारा ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है ना, तेलंगाना, इधर यहाँ पे बॉर्डर से होती हुई और इस पोर्शन पे आती है गोदावरी. ठीक है, गोदावरी बॉर्डर से होती हुई इस पोर्शन पे आती है. गोदावरी जो है इसका ओरिजिन जो है, इसका ओरिजिन महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर में है. ठीक है, महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से नांदेड़ होते हुए ये यहाँ पे आती है. ठीक, ये हमारी गोदावरी. नेक्स्ट, गोदावरी के बाद जो है वो कृष्णा है. कृष्णा रिवर जो है वो महाबलेश्वर से निकलती है
और महाबलेश्वर से निकल के तेलंगाना प्लेटू होते हुए नागार्जुना डैम भी कृष्णा रिवर पे ही बना है, और कृष्णा रिवर पे ही जो एक फेमस सिटी है विजयवाड़ा वो भी कृष्णा रिवर पे ही है, और ये जो रिवर है ये यहाँ से निकलती है और तेलंगाना होते हुए इधर आती है, ये है कृष्णा रिवर। ओके, आफ्टर दैट कृष्णा रिवर के बाद जो नेक्स्ट है वो है कावेरी। कावेरी कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु में से होते हुए, कर्नाटका से निकलती है और तमिलनाडु से होते हुए स्टेप पॉइंट पे जाके ये वे ऑफ बंगाल पे मिलती है। तो ये कौन सी थी? ये है कावेरी। अच्छा, कावेरी बहुत फेमस है, इसको सी से भी लिखा जाता है, कहीं कहीं के से भी लिखा जाता है, प्रॉपर नाउन है भाई। तो कावेरी जो है इसके बहुत डिस्प्यूट है कर्नाटका और तमिल के बीच में कि इसका पानी किसके पास जाना चाहिए और कितना जाना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो वैगई है, ये भी तमिलनाडु के में ही है, वैगई। ओके ओके, इसके बाद ये तो हमारी बे ऑफ बंगाल वाली रिवर्स हो गई। नेक्स्ट जो है वो रिवर्स कुछ इस तरफ भी हैं, वेस्ट साइड जो गिरती हैं, इनमें से एक है नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है ये अमरकंटक से निकलती है और बालाघाट होते हुए, यहाँ अमरकंटक से निकलती है और बालाघाट एमपी पूरा कवर करते हुए, यहाँ से निकलती है और एमपी बालाघाट पूरा कवर करते हुए इधर अरब सी में आती है। ओके, ये है नर्मदा, ठीक। और नर्मदा के जस्ट नीचे एक पैरेलल होते हुए तापी रिवर है। ओके, ये सारी वेस्ट फ्लोइंग है, ये याद रखिएगा, तापी रिवर है। ओके, नेक्स्ट जो साबरमती है वो साबरमती अप साइड से, मतलब यहाँ अरावली जो रेंजेस थी यहाँ से होते हुए और अहमदाबाद से होते हुए साबरमती यहाँ पे आती है। दिस वन इज साबरमती, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देती हूँ साबरमती का, ये साबरमती, ठीक है। और लूनी रिवर, लूनी रिवर जो है वो सांबर लेक, सॉल्ट लेक जो है राजस्थान की, यहीं से निकलती है सांबर लेक से और रन ऑफ कच्छ में ही जाके गायब हो जाती है, ठीक है। सो ये राजस्थान की इकलौती रिवर है, ये है लूनी रिवर। ओके, अभी इसके बाद लास्ट में चेन्नई में भी कुछ रिवर्स हैं, पने वो पनेरू करके रिवर्स है एक, ये इधर केरला के पास भी है, ठीक है। पर ये बहुत छोटी छोटी सी रिवर्स हैं तो इनको उतना नहीं पढ़ना होगा। तो जितनी हमारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिवर्स थी वो कवर हो गई हैं, जिनमें से इंडस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, देन गोदावरी। गोदावरी कहाँ पे है हमें याद रखना, उड़ीसा, फिर महानदी, फिर कावेरी, नर्मदा एंड कृष्णा। इसके बाद मैं एक और स्लाइड जो है वो शेयर करना चाहूंगी, वो ये है। देखिए अब इसमें गंगा का ओरिजिन कहाँ पे है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, और एंड कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल। यमुना का कहाँ पे है, यमुनोत्री उत्तराखंड। एंड कहाँ पे है, मर्ज विद गंगा इन एट अलाहाबाद। आफ्टर दैट ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से होती है, मर्ज विद गंगा एंड एंड इन अलाहाबाद। इंडस तिब्बतन प्लेटू अरेबियन सी में जाती है। हुगली गंगा ही है, गंगा को ही हुगली बोलते हैं। ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नियर वेस्ट बंगाल, मर्ज इन बे ऑफ बंगाल। देन गोमती, गोमती भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सोन, सोन यमुना की ट्रिब्यूटरी है, अमरकंटक से निकलती है और यमुना में मिलती है ये। उसके बाद फिर सॉरी सोन गंगा की ट्रिब्यूटरी है। फिर गंडक, गंडक भी गंगा की है। कोसी, कोसी जो है ये बिहार से स्टार्ट फ्रॉम बिहार एंड नियर इंडो पाक नेपाल बॉर्डर के पास निकलती है, गंगा में मिलती है, गंगा के पास जाके बे ऑफ बंगाल। फिर महानदी बे ऑफ बंगाल। झेलम, झेलम जो है वो ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब में है और ये इंडस में जाके मिल जाती है। रावी, ये भी इंडस में मिलती है। सतलुज, ये भी इंडस में मिलती है। ब्यास, ये भी इंडस में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें कावेरी, कावेरी जो है ये ताला कावेरी इन वेस्टर्न घाट से और एंड होती है बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद कृष्णा, कृष्णा रिवर जो है ये ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट नियर महाबलेश्वर एंड इन बे ऑफ बंगाल। गोदावरी, गोदावरी जो है वो स्टार्ट इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर के पास से निकलती है ये और एंड इन बे ऑफ बंगाल। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर एट कर्नाटका एंड एंड इन ज्वाइन हो जाती है कृष्णा रिवर में आगे जाके। तापी,
तापी सतपुरा रेंजेस से निकलती है और गल्फ ऑफ खाम्बत में जाके मिलती है। माही रिवर जो है बहुत छोटी सी रिवर है, एक एमपी से निकलती है और ये गुजरात में फ्लो होते हुए अरेबियन सी में जाके मिलती है। और उसके बाद नर्मदा, नर्मदा अमरकंटक से स्टार्ट होती है और गल्फ ऑफ खाम्बत में जाके मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए और बाकी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबके लिए बनाया है। तो इफ़ यू वॉन्ट दिस टाइप ऑफ सम मोर वीडियोज़ ऑन एनी टॉपिक मैप रिविजन का, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे और मेरे चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप स्टडी एंड बाय बाय।